अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरा दिल जामा मस्जिद जाकर सैरी करने का कर रहा था, तो जामा मस्जिद जाने के लिए निकल जाता हूँ और ऑटो करता हूँ। ऑटो में बैठकर सबसे पहले सफर पर निकलने की दुआ पढ़ता हूँ, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया जबकि हम इसको अपने कब्जे में करने की कुदरत नहीं रखते थे, और एक दिन हमें अपने रब की तरफ ही जाना है। तो जब भी सफर पर निकले तो सफर पर जाने की दुआ जरूर पढ़े ताकि अल्लाह आपको हर हादसे से महफूज रखे और आप अल्लाह की हिफाजत में रहें। फिर पूरे रास्ते अल्लाह की कुदरत का नजारा करता रहता हूँ। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये हवा, ये फिजा, ये कहकशा, ये पेड़ पौधे, ये अक्ल व शुऊर जिससे इंसान ने गाड़ियाँ बनाई, फिर इनसे सफर तय किया और अपनी जिंदगी को आसान बनाया, मगर फिर भी उसकी कुदरत को समझ न पाए ये इंसान। तो तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इतने में जामा मस्जिद पहुँच जाता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए कुछ इज्जत के अल्फाज कहकर ऑटो वाले भाई से अलविदा होता हूँ। कभी भी किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, यही हमारे नबी ने हमें सिखाया है। ये भी तो किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के बेटे होंगे जिनके लिए ये मेहनत और मुशक्कत करके कमा रहे हैं। तो हमेशा सबकी इज्जत करो क्योंकि यही हमारे नबी ने हमें सिखाया है। फिर जामा मस्जिद की तरफ बढ़ता हूँ। ये है दिल्ली की जामा मस्जिद जिसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने 1656 में बनवाया था। रात के 4 बज रहे हैं लेकिन यहाँ अभी भी बहुत चहल पहल है। यहाँ वैसे तो हमेशा रौनक रहती है लेकिन रमजान के इस मुबारक महीने की रौनक ही अलग होती है। पूरे जौको शौक के साथ सब अपने काम में लगे हैं और रिस्क तैयार कर रहे हैं। ये सब खुश नसीब है कि अल्लाह ने इनके रिस्क में बरकत डाल दी और ऐसी जगह पर इनके रिस्क का जरिया बना दिया जहाँ से ये बेशुमार माल दौलत कमा रहे हैं, और हर तरह का लजीज खाना यहाँ मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ आकर मायूस हो जाते हैं जो अपने बच्चों और घर वालों को लेकर आते हैं और वो सिर्फ इन्हें देखते ही रह जाते हैं। हमारे उन भाइयों के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपने घर वालों को उनकी पसंद की हर एक चीज खिला सके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ एक गिलास शरबत लेते हैं और वो भी अपने बच्चे को पिला कर चले जाते हैं, मगर इसमें भी वो खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार करके रखी है जहाँ उनके लिए ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिसे न किसी आँख ने देखा है और न किसी मुँह ने चखा है। बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं भी जब मदरसे में पढ़ता था तो हर जुमरात को मैं यहाँ पैदल आता था और सिर्फ एक गिलास 5 रुपए का शरबत पीकर चला जाता था। खैर, अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है और जन्नत में सबसे पहले हमारे गरीब भाई लोग दाखिल होंगे। तो दुनिया वालों को देख कर मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि हमेशा अपने से कमतर को देखना चाहिए कि कम से कम अल्लाह ने आपको यहाँ आने की तौफीक तो दी। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी नहीं आ सकते, जो कहीं नहीं जा सकते, ना उनके पास चलने के लिए पैर है, ना कहीं जाने के लिए पैसा है। तो कम से कम अल्लाह ने आपको सही सलामत रखा, इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जिन लोगों की ये शानदार दुकानें हैं जहाँ से ये लोग बेशुमार माल दौलत कमा रहे हैं, तो इन्हें भी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा दिख जाए जो अपनी फैमिली या अपने बच्चों को लेकर आए तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट कर दे, क्योंकि वो गैरतमंद होते हैं। वो भीख मांग कर खाना पसंद नहीं करते बल्कि हर हाल में सब्र करते हैं, तो उन्हें डिस्काउंट देकर खिला दिया करे, इससे अल्लाह राजी होगा। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर एहसान मानोगे और शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुकरी करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। खैर, फिर सेरी करता हूँ और अल्लाह की दी गई नेमतों से लुत्फंदोज होता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इतना जायकेदार खाना खिलाया। अल्लाह ने पुरानी दिल्ली के खाने में क्या शानदार जायका रखा है जिसे अल्लाह के बंदे खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर सेरी का टाइम खत्म होने से पहले चाय पीकर अपनी नींद को दूर करता हूँ। इतने में टाइम खत्म हो जाता है और अजान हो जाती है। फिर सब नमाज के लिए जामा मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, सबसे पहले फजर की नमाज हजरत आदम अलैहि सलाम ने शुक्राने के तौर पर पढ़ी थी। इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।